इंडियन एयरफोर्स के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये आपके एग्जाम एक्स वाई या फिर बोथ के लिए होने वाली है और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। इसका जब आप प्राइस देखेंगे तो ये 349 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे सुपरफा50 तो इस मॉक टेस्ट की जो प्राइस हो जाएगी वो 175 हो जाएगी, यानी 175 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं परीक्षा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप यहां जाकर के और आप अपने एग्जाम के लिए लगातार प्रयास करें और लगातार तैयारी करते रहें। आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो इसलिए इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर परचेज करके रोजाना आप एक दो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपका काफ़ी अच्छा स्कोर होगा और ये मेरे कहने पर सजेशन पर आप इस टेस्ट सीरीज को जो वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे नंबर का क्वेश्चन और देखो मैंने कैसे ले रखा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग, यानी कि मैं अपनी जो शादी का जो दिन है ना भाई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में जब ये आपने सेंटेंस को देखा तो उसके बाद आपको एक समझ में आया होगा और वो होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, और प्रीपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होती है मेरे भाई जिसमें प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है, यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू आता है ना कि फॉर आता है, और ये सेंटेंस अब एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक साथ चलता है, इसका मतलब उत्सुकता से किसी का वेट करना, तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। अब मैंने आपने बोला सर आप हमारे लिए भी दिया करो, तो चलो मैंने ये तीसरा आपके लिए रख लिया है। कैन यू कोप अप विद ऑल दिस वर्क ही आस्क्ड, क्या इसमें कहीं पर कोई गलती है, नजर है तो बताइए, नो एरर है तो भी आप बताइएगा। इसके बाद चौथा देखिएगा और चौथा बड़ा ही अच्छा मैंने यहाँ पर ले रखा है, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब सिंस 15 ईयर्स। जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको एक ही बार में इस पूरे सेंटेंस में गलती नजर आ गई होगी, और वो गलती आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो उसमें एक रूल को पढ़ा होगा, वही रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। टेंस वो नहीं है लेकिन रूल वही अप्लाई हुआ है, और रूल ये होता था सिंस फॉर वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सिंस जो होता है वो निश्चित टाइम के लिए होता है, उसमें कभी डिजिट नहीं आता, ठीक है अपवाद अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 15 ईयर्स है कोई निश्चित समय नहीं है, 15 साल 20 साल 25 साल, तो ऐसे में सिंस नहीं, यहाँ पर हम फॉर लगाते हैं जब कोई भी समय पीरियड हो जिसका नहीं पता हो तो वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं, इसलिए आपका सी वाले में गलती हो जाएगा। आपने भी यही फाइंड किया होगा। आगे पूछा है और आगे सवाल है कि दैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, यानी कि वो एक बड़ी यू नो अद्भुत यूनिक अवसर था उसके लाइफ में जो उसकी लाइफ में उसे मिला था, तो दैट वॉज द मोस्ट यूनिक। इस सेंटेंस को पढ़कर क्या आपको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा, यहाँ पर ऐसा करो ये जो द मोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ए लगाओ, अब पूरा समझ में आएगा। दैट वॉज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, मैंने यहाँ पर द मोस्ट की जगह पर ए क्यों लगाया, क्योंकि देखो यूनिक एक पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है, और आपको पता है और इसका यू नो कभी भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता, तो यूनिक के पहले जब इसका सुपरलेटिव नहीं बना सकते तो द मोस्ट लगाना जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगा दिया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिक का अच्छा एक और आप समझ रहे होंगे सर जी यू आ रहा है तो एन लगाओ, नहीं आप पढ़ेंगे यूनिक और लिखेंगे या, तो या कभी भी ना अगर कभी व्यंजन की साउंड आ जाए तो वहाँ पर आपको ए ही लगाना है, तो यूनिक से पहले आपको हमेशा यूनक हो यूनिक हो वहाँ ए ही लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझा दिया। आगे देखिएगा कि देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट, यानी इस कंपार्टमेंट के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको एक ही समझ में आएगा, देखिएगा यहां पर ये लिखा है प्लेस ऑफ यू, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपार्टमेंट कोई दे रखा है और कंपार्टमेंट एक जगह के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो कंपार्टमेंट में जगह के लिए एकदम सूटेबल वर्ड होता है रूम, तो आपको पता है ना, तो रूम के साथ ही प्रेपोजिशन फॉर आता है, यानी आपके लिए, यानी कि लिख सकते थे कि देयर इज नो रूम फॉर यू, आपके लिए कोई रूम नहीं है इस कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट में जगह नहीं ये कहना गलत होगा, कंपार्टमेंट में रूम नहीं है ये ठीक है, क्योंकि कंपार्टमेंट एक रूमों से मिलकर के बना होता है, तो आप पूरी जगह के बारे में बात नहीं कर रहे, कंपार्टमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब रूम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मतलब क्या हो जाएगा कि देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा टार्डी, अब देखिएगा आप मुझे पूछते थे सर कुछ ज्यादा ही ऐड किया करो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो मैंने सोचा चलिएगा हम तो ऐड कर लेते हैं भैया, याद आपको करना है बाकी प्रैक्टिस हम करा देंगे। तो यहां पर देखिए टार्डी,
टार्डी का मतलब होता है सुस्त, आलसी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, टार्डी, इसका उल्टा हो जाएगा प्रोम्प्ट। प्रोम्प्ट का मतलब होता है जो एकदम तत्पर रहे हर काम में, कोई लेट अवेयर कुछ नहीं, एकदम तंदुरुस्त, क्लियर है, कोई भी आलस ना हो, उसे बोलते हैं प्रोम्प्ट। क्या बोलते हैं उसे, प्रोम्प्ट बोलते हैं। एक और देखा इसमें, एक है ग्रेजुअल, आपने पढ़ा हुआ ग्रेजुअली, निरंतरता, लगातार, तो वही ग्रेजुअल है। लेट माने देर और क्विक माने जल्दी, चारों क्लियर हो गए। आगे देखो सैक्रेड, सैक्रेड तो आपने यार खूब पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था तभी समझ में आ गया था। सैक्रेड का मतलब होता है जो पवित्र हो, जो धार्मिक हो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है जो धर्म की निंदा करने वाला हो, अधार्मिक हो, क्लियर है। सैक्रेड धार्मिक हो जाएगा, प्रोफेन अधार्मिक हो जाएगा, तो इसका बताओ उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोफेन हो जाएगा। एक है प्रोफ्यूज, देखो धीरे धीरे याद हो जाएंगी, चिंता मत करोगे। प्रोफ्यूज का मतलब होता है जो मात्रा में अधिक हो। एक है प्रोलीफिक, प्रोलीफिक का मतलब होता है जो उपजाऊ होता है, जहाँ से उत्पादक मिलता है हमको। एक है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है जो बहुत गहरा हो, उसे बोलते हैं प्रोफाउंड, क्लियर है। आगे देखिएगा, अब आपके आपसे एक और आपसे पूछा गया है, और ये सारी चीज़ें आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है बस इसका ही मतलब आपको बताना है कि अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा। शर्ला इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवंस सॉल्ट, तो टू ईट एनीवंस सॉल्ट इसका मतलब होता है कि मेहमानबाजी करना, किसी कोई आया आपके घर पर उसे खातिरदानी करना, मेहमानबाजी करना, मतलब मेहमानबाजी वाला एक ही ऑप्शन है वो है ए, टू बी वंस गेस्ट, ये आपको याद रखना होगा, इसमें गलती मत करिएगा। आगे देखिएगा, ही विल सर्टेनली कम टू ग्रीफ इफ ही डज नॉट लीव हिज पेरेंट्स फ्रेंड्स, तो कम टू ग्रीफ का मतलब क्या होता है, यानी दुख के अंदर आ जाना, मतलब पीड़ित होना, नतीजा भुगतना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इन चारों को पढ़ो, चारों को पढ़ेंगे, एडिक्टेड, क्या वो आदि है, सफर है, या गो अप टू द एक्सट्रीम, या इंजॉय, तो फाइनली जो इसका जो हो जाएगा वो सी वाला जो पार्ट है वो एकदम सही है, यानी सफर होना। कम टू ग्रीफ का मतलब क्या होता है, सफर हो, ठीक है, मतलब वही एक तरह से ना भुगतना। आगे देखिए 37 नंबर है, इफ यू डेवलप फ्रेंडशिप विद एन इंडिविजुअल यू मस्ट स्टैंड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि यदि आप अपनी किसी एक पर्सनल किसी एक व्यक्ति के साथ में अपनी दोस्ती को और डेवलप करना चाहते हो तो तुम्हें थ्रू थिक एंड थिन हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहना होगा। तो थ्रू थिक एंड थिन, चाहे मोटी हो चाहे पतली परेशानी हो, हर परेशानी में आपको खड़ा होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, हर स्थिति में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि हर परिस्थिति में, क्लियर है, तो बी वाला इसका मतलब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाउ अ डेज वन गेट्स गुड लिटरली बुक वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होगा बताओ, मतलब कभी कभार ब्लू मून में, नीला एकदम चंद्रमा हो रहा है और उसमें कभी कभार की बात हो रही है, तो इन चारों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बात कहाँ तक है। तो देखिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम रिनाउंड पब्लिशर नहीं, एट वेरी लो कॉस्ट नहीं, वैन मून गिव्स नहीं, ऐसा हो नहीं, रेयरली, यानी कि बहुत रेयरली, बहुत कम, क्लियर है, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा जल्दी बताओ, धीरे धीरे पढ़ना तो याद हो जाएगा, मतलब वही कभी कभार, तो रेयरली ही यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, ही डिसाइडेड टू बरी द हैचिट, तो बरी द हैचिट का मतलब आपसे पूछा है, अब आपने सर याद तो खूब किया होगा, पढ़ाई भी किया होगा, इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस को रखता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो बरी द हैचिट का मतलब होता है कि मामला, कोई भी सपोज करो कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मामला है, तो किसी मामले को छोड़ देना, है ना, दुश्मनी बुला देना, उसे बोलते हैं बरी द हैचिट। ही डिसाइडेड टू बरी द हैचिट, यानी कि उसने जो दुश्मनी थी उसको भुलाने के बारे में उसने फैसला ले लिया। तो टू कीप अ सीक्रेट नहीं, मेक पीस, फूल समवन, बरी द वेल्थ, तो इन चारों को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे सूटेबल जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, मतलब वो शांति की बात कर रहा है, टू मेक पीस इज द राइट ऑप्शन। आगे देखिएगा, यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे, अगर मैं आपसे पूछूं तो काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, उनको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब वो हमेशा कभी गलत नहीं करेंगे। यूजुअली सामान्य तौर पर वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे, हम जो है वो संडे के दिन कभी स्कूल नहीं जाते, तो इन चारों में से क्या आ सकता है, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या, मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाता हूं। देखिएगा,
एक बात याद रखना, यूजुअली दे रखा है सेंटेंस में, तो भैया यूजुअली के साथ नेवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हो गया, और नेगेटिव सेंटेंस आपको बताना है तो नेवर गो की जगह पर आप डोंट गो लिख सकते हैं। यानी यूजुअली सामान्य तौर, वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, सामान्यतः हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। अब देखो यूजुअली जो होता है वो प्रेजेंट को शो करता है, जब प्रेजेंट को शो करता है तो भैया जाहिर है कि प्रेजेंट का नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा, डू नॉट डज नॉट में से, इसलिए हमारा डोंट गो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना यूजुअली के साथ नेवर इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूजुअली प्रेजेंट को शो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लिया। आगे देखिएगा, इन द प्रेजेंट सिनारियो द रिच एंड पुअर ऑफ इंडिया आर पार्ट्स ऑफ द ग्लोबल विलेज। ये पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द रिच एंड पुअर की बात हो रही है, और उसने बोला है कि हमारे अभी जो वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जो पैसे वाले होते हैं और जो गरीब होते हैं, हमारे इंडिया के लोग हैं, वो क्या है, वो ग्लोबल विलेज के पार्ट्स बन चुके हैं। इसका मतलब सर एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां पर रिच लोग अलग होते हैं और पुअर लोग अलग होते हैं। जब दोनों ही एडजेक्टिव अलग अलग व्यक्ति को शो कर रहे हों, अलग अलग पूरे धर्म पूरी बिरादरी को शो कर रहे हों कि अमीरों की बिरादरी अलग और गरीबों की अलग, तो याद रखना कि एंड से जुड़ने वाले दोनों एडजेक्टिव के साथ में अलग अलग दा का इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब अलग अलग बिरादरियों के बारे में बात की जा रही हो। तो यहां पर भी अलग अलग उन्हीं के बारे में, क्यों, पार्ट्स ऑफ द ग्लोबल प्लेसेस है, तो जाहिर है कि अलग अलग, तो भैया दोनों के लिए अलग अलग ही यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ए वाला पार्ट एकदम सही हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है एक सवाल था जो गलती से जो है गलत बताया था आपको, उसमें वो एडजेक्टिव वाला था और मुझे याद नहीं है द रिचेस्ट करके कुछ, मतलब एंड से दो सुपरलेटिव डिग्रियों को जोड़ा गया था और वहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई थी। तो ऐसे में याद रखना, जैसे ऐसे समझो कहीं पर लिख रहा है रिचेस्ट लिखा हुआ है, मतलब पैसे वाला लिखा हुआ है, और आगे लिख रहा है उसमें एक रिचेस्ट है और एक है बेस्ट। अगर दोनों ही क्वालिटी एक ही व्यक्ति की होती हैं तो बस आगे वाले पहले वाले एडजेक्टिव से ही पहले आपको द लगाना, यानी द रिचेस्ट एंड जो भी अगले वाला जो एडजेक्टिव दे रखा होगा, ठीक है, बेस्ट दे रखा है, द रिचेस्ट एंड बेस्ट, तो दो बार वहां पर जो है द का इस्तेमाल नहीं करना था, वो नो इम्प्रूवमेंट वाला था। एक बच्चे ने पूछा था, मुझे सडनली याद आ गया। आगे पूछो, माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ हार्ड ड्रिंक, मेरे दोस्त ने मुझे हार्ड ड्रिंक ऑफर की थी, बट आई डिनाइड इट, लेकिन मैंने उसे इसे मना कर दिया था लेने से। अब इन चारों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा तो ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आई डिनाइड होगा, अब डिनाइड की जगह पर बताओ क्या आ सकता है, रिजेक्ट आ सकता है, डिक्लाइन या रिफ्यूज्ड। पहली बात इन चारों का मतलब पता होगा तभी आप इसे सही कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड ने हार्ड ड्रिंक मुझे ऑफर की थी लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, मैंने उसे लेने से इंकार कर दिया। क्या कर दिया बताओ, इंकार कर दिया, तो इंकार करना को बोलते हैं रिफ्यूज्ड। तो डिनाइड की जगह पर रिफ्यूज्ड आ जाएगा। अच्छा, रिजेक्ट का मतलब क्या होता है सर जी, रिजेक्ट का मतलब रद्द कर देना। एक है डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, ठीक है भैया, क्या कर देना, अस्वीकार कर देना। हमने कोई एप्लीकेशन अपने सीनियर को भेजा, उसने डिक्लाइन कर दिया, वो स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। एक है डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मुकर जाना, क्या कर जाना, मुकर जाना। तो मुकर जाना तो यहाँ पर कोई ऐसा मतलब नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर डिनाइड ही तो है, मुकर जाना का क्या मतलब है, अरे उसने क्या कर दिया, उसने इंकार कर दिया कि भैया मैं हार्ड ड्रिंक को नहीं लूंगा। इसलिए यहाँ पर जो फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो रिफ्यूज्ड वाला एकदम सही हो जाएगा, बी वाला पार्ट एकदम सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे देखिएगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले रखा है। पिछली बार मैंने एक्टिव पैसिव ज़्यादा ले लिए थे, इस बार मैंने सोचा चार पांच आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताता हूँ, कैसे अप्रोच आप लगाएंगे जल्दी से इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग परेशान नहीं करना है, तो मैं आपको बताता हूँ देखो करते कैसे इस तरह के अगर सवाल आपको मिल रहा है तो। सबसे पहले आप ये देखो इसके बीच में ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप चेंज कैसे करेंगे, वो पास्ट में जाता है। यहाँ पर देखो इज आर एम आई एन जी आ रहा है, मतलब वॉज वर आई एन जी में जाएगा। तो देखो वॉज वर आई एन जी, देखो पहले वाले में कोई वॉज वर आई एन जी नहीं है, इसमें भी कोई वॉज वर आई एन जी नहीं है, इसका मतलब आपको बी और डी वाले में से ही एक को चूज करना है। अब एक और बात याद रखना, अगर बीच में कभी भी डब्ल्यू एच आ जाता है तो डब्ल्यू एच ही इसका कंजंक्शन बन जाता है, और हर कंजंक्शन के बाद चाहे दैट हो, चाहे इफ हो, चाहे वेदर हो, या फिर कोई भी वाई हो, वेन हो, इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है मेरे भाई, कोई वर्ब नहीं आती यदि आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो। ठीक है, इनडायरेक्ट जो होता है कंजंक्शन के बाद बिल्कुल सिंपल चलता है या नेगेटिव चलता है, मतलब
हमेशा कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट ही आएगा और डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच ही कंजंक्शन बन जाता है। अब सुनो मेरी बात, ये जो कंजंक्शन है वाई, और यहां पर देखो ये कंजंक्शन है वाई, बी और डी में से ही तो हमको निकालना था, तो देखो इस डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट आ रहा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है ना कि वर्ब, इसलिए हमारा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। और बताऊंगा, चिंता मत करना। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाती है बताओ, डिड में जाती है या फिर सेकंड फॉर्म में जाती है? तो यहां पर देखो ये सिर्फ खाली इंटरोगेटिव है, अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो डिड नॉट आता, लेकिन खाली ये इंटरोगेटिव इसलिए ओनली सेकंड फॉर्म आएगा कंजंक्शन के बाद में। अब देखो खाली कोई डब्ल्यू एच तो नहीं है, इसलिए यहां पर कंजंक्शन आप इफ लगा सकते हैं और इफ के साथ में हमेशा जो है सेकंड फॉर्म चलेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट फिर सेकंड फॉर्म। यहां पर ये डिड में चेंज हो जाएगा तो पहली बात मतलब सेकंड फॉर्म ये डिड आएगा। तो देखो भाई एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर डिड तो कभी कंजंक्शन हो ही नहीं सकता, बी गलत हो जाएगा। एक और चीज याद रखना, यहां पर देखो इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, ये गलत है क्योंकि वो तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। और देखिएगा, ही आस्क्ड रीना इफ शी वांटेड टू बाय अ हाउस। अब देखो ए वाले में और इस वाले में गलती क्या हो जाएगा, सोचो। ए वाले देखो भाई टोल्ड तो नहीं होगा क्योंकि सेड टू होता तब टोल्ड होता है, तो ए वाला गलत हो जाएगा, इसलिए फाइनली बी वाला एकदम सही हो जाएगा। बताइए देखो कितने सरल हैं। अगर आप कहेंगे सर जी ये हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर तो आपका स्कोर काफ़ी नीचे चला जाएगा। एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे और रिविज़न करते रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, चिंता मत करिएगा। एक और देखिएगा, यहाँ पर क्या है, कैन और बर्फ की फर्स्ट फॉर्म, ये जाएगा कुड बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में। तो देखिएगा यहाँ पर कैन दे रखा है जो गलत है, यहाँ पर भी कैन है ये गलत है। अब इन ए और बी में से एक होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आई आस्क्ड माय फ्रेंड, ये पूरा देखो सेम है, इफ आई कुड बोरो, इफ आई कुड बोरो, ओके। अब हिज और योर की जगह पर चक्कर पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पजे से भी चेंज करना आता है। योर लिख रहा है ना, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाता है। अब बताओ माई फ्रेंड दे रखा है, अब माई फ्रेंड यदि दे रखा है तो ये हम इसे ही मान लेते हैं या शी मान लेंगे, तो या तो हिज आएगा या हर आएगा, योर तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि योर तो बदला जाता है, तो बी वाले में तो योर बदला ही नहीं है, इसलिए आपका ए वाला एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे एक और आपके लिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। बताओ इज आर एम आई एन जी आ रहा है, ये किस में जाएगा बताओ, वॉज वर आई एन जी में जाएगा। तो देखो इसमें कोई वॉज वर आई एन जी नहीं आ रहा, इसमें भी वॉज वर आई एन जी नहीं आ रहा। अब इन दोनों में वॉज वर आई एन जी आ रहा है तो इसे तो मैं एक झटके में आपको बता दूंगा कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। आपको पता है डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट आता है ना कि डब्ल्यू एच के बाद कभी वर्ब आती है, इसलिए डी वाला गलत हो जाएगा और सी वाला एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, और भी चिंता मत करो, बिल्कुल कमी नहीं की है मैंने आज सवालों की। और देखिएगा इज आर एम आई एन जी आ रहा है, चेंज किस में होगा, वॉज वर आई एन जी में, तो आपको चारों में से वॉज वर आई एन जी वाला ही पहले देखना है। तो इसमें तो देखो एम दे रखा है, ये गलत है, इसमें वॉज वर आई एन जी नहीं आ रहा, अब इन दोनों में आ रहा है। अब इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे भैया, वो आप देखिएगा, इसमें आपको प्रोनाउन का चेंज करना आना चाहिए तभी आप इसे कर सकते हैं। देखिएगा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर आई और यू इन दोनों में अंतर हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है यू जो होता है अपने पड़ोस में जाकर के चेंज हो जाता है, तो यू गया मी के पास और यू की जगह पर मी का ही सब्जेक्ट आएगा आई, तो इसका मतलब दैट के बाद आई आएगा, तो इसलिए हमारा सी वाला एकदम सही हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, परेशान नहीं होने का। When will I be able to vote? I asked my mother. तो इसका बनाओ indirect. I asked my mother. When इसका क्या बन जाएगा? Conjunction बन जाएगा. और will first form दे रखा है तो ये किस में जाएगा बताओ? Would first form में जाएगा. क्या जाएगा? Would first form में जाएगा. तो देखो इसमें तो भाई would इसने किया ही नहीं है. अब A, C और D में से आपको देखना है कि कौन सा होगा. तो चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया. देखो वेन कभी भी कोई डब्ल्यू एच आ जाता है बीच में तो वो कंजंक्शन का कार्य करता है और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है ना कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है. तो भैया बुड तो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही है, मॉडल वर्ब, जो गलत है. वेन के साथ देखो वेन के बाद तुरंत कंजंक्शन के बाद कभी मॉडल वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट आता है, इसलिए आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा. क्लियर है? चलेगा. ये देखो पेपर पूरा हो गया है मात्र 20 मिनट में. अब आप कह रहे हैं इसलिए मैं जल्दी से आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं. चलो कुछ नहीं यार, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा. अब ये समझिएगा
यहां पर देखो लुकिंग फॉरवर्ड इसके साथ टू चलता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू बेसब्री से इंतजार करना, ये मैंने आपके लिए छोड़ा था। आगे देखो ही सब रिप्रेजेंट, ये देखो सिंस लिखा है ना, अगर 15 ईयर्स है 12 ईयर्स है कुछ भी वैसा तो सिंस नहीं फॉर लगाते, कभी डिजिट वाला आ जाए 15 16 कुछ भी 4 2 3। आगे देखिएगा, आगे ये देखो मैंने बोला ना यूनिक से पहले कोई भी, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री की तरह ही इस्तेमाल होता है, तो आप द मोस्ट जो है मोर वगैरह नहीं लगा सकते। आगे देखिएगा, और भी मैंने बोला था आपसे कि क्या था कि कंपार्टमेंट के अंदर कोई रूम नहीं है, प्लेस नहीं, रूम, तो रूम और ऑफ की जगह पर फॉर आ जाएगा, देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। टार्डी, तो टार्डी का मैंने क्या बोला था, इसका उल्टा प्रोम्प्ट होता है, क्या होता है प्रोम्प्ट। सैक्रेड का उल्टा क्या बोल रहा था, प्रोफेन बोला था। आगे बढ़ जाएगा, टू ईट एनीवन सॉल्ट इसका क्या बोला था, मेहमानबाजी करना। कम टू ग्रीफ सफर होना, ये आपको डायरेक्टली याद ही करना है अब आपको। थ्रू थिक एंड थिन हर परिस्थिति में, तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आगे वंस इन ब्लू मून मतलब रेयरली, तो रेयरली इसका डी वाला हो जाएगा। आगे बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब शांति बनाए रखने का उसने डिसीजन ले लिया। नेवर गो, यूजली के साथ नेवर नहीं लगाते और यूजली प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए डोंट गो का इस्तेमाल किया। ये देखो अलग अलग पर्संस की बात हो रही है, इसलिए दोनों ही जो एडजेक्टिव हैं इससे पहले दो बार द का इस्तेमाल होगा, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन को टिक किया जाएगा। आगे डिनाइड की जगह पर रिफ्यूज आ जाएगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने हार्ड ड्रिंक मुझे ऑफर किया था और मैंने उसे इंकार कर दिया। रिजेक्ट माने होता है एक तरह से ना, कोई आपने एप्लीकेशन भेजा और उसको रिजेक्ट कर दिया। आगे बढ़ जाओ, तो बी वाला राइट आंसर है। अब यहां पर ये तो आप बना ही सकते हो यार, इज आर एम आई एन जी आता है तो वॉज वर्ब आई एन जी में जाएगा, तो पहले वाले में नहीं है और बाकी इसमें भी नहीं है। मुझे पता है डब्ल्यू एच के बाद कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता कंजंक्शन में, अगर वो इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो डी गलत है और आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। तो इनको तो आप बना ही लेंगे, दिमाग ज़्यादा परेशान मत करिएगा, चलेगा। अब इसके बाद अगली वीडियो आएगा, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है पेपर तक का, स्पेशली यार आपके लिए मेहनत की जा रही है। सच में मेरे पास भी बहुत पढ़ाई है यार, इतना वक्त नहीं होता कि मैं स्पेशली टाइम निकालूं आपका पेपर, और यार हर बार मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, शुरू से और एंड तक जुड़ा रहता हूँ, इसलिए स्पेशल सच में इस पूरे पेपर को टाइप करने में, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में बड़ा ही मेहनत लगता है यार। इसलिए लाइक एंड शेयर एंड अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करके जैसे वीडियो आता है तुरंत आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए करेगा, और मेरी कोशिश रही करेगा कि सुबह 9 बजे वीडियो आपको मिल जाए, रेगुलर 9 बजे मिल जाएगा। बस अपना प्यार बनाए रखना, आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।